हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। दोस्तों, डंकी एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, लोग और फैंस इसे बहुत प्यार भी दे रहे हैं और दे भी क्यों ना भाई। आखिर जवान और पठान देने के बाद एसआरके ने जो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है भाई साहब, इसके क्या ही कहने। लेकिन जवान और पठान ने एसआरके को नहीं उठाया, एसआरके को उठाया है उनकी शख्सियत ने। वेरी काइंड, वेरी हम्बल, जस्ट लुकिंग लाइक एसआरके। खैर, उनकी शख्सियत पर कभी और फुर्सत से किताब लिखेंगे। अभी बात करते हैं डंकी के कलेक्शन, आइए देखते मजा। दोस्तों, इस फिल्म में उनके रोमांस ने लोगों का दिल जीता ही नहीं बल्कि लूट लिया है। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील को जाता है। पता है क्यों? आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं शाहरुख के 2023 में तीन फिल्मों की, जो कि पठान, जवान और डंकी है। अब डंकी बेशक पठान और जवान से पीछे है, लेकिन फिर भी 200 करोड़ तक इंडिया में पहुंच गई है। इसने पहले हफ्ते में 160.22 करोड़ रुपए कमाए और दूसरे फ्राइडे में बस 7 करोड़ ही कमा पाई। फिर अमेरिकी डॉलर की तरह नेक्स्ट वीक उछाल मारी और कमाए 9 करोड़। वहीं जहां लोग 31 दिसंबर को न्यू ईयर ईव का लुत्फ उठा रहे थे, तो डंकी ने भी सेलिब्रेट किया और कमा गई 11.5 करोड़ रुपए। नए साल की नई शुरुआत में डंकी ने 195 करोड़ से नए साल का स्वागत किया और वर्ल्ड वाइड 380 करोड़ की कमाई की। समझ रहे हैं दोस्तों, स्लो है बट हारेगी नहीं। लेकिन इसमें भी ना प्रभास का ही हाथ है। उनकी फिल्म सलार कमाई बेशक ज्यादा कर रही हो, पर दिल लोगों का जीत नहीं पाई है। दिल की बात तो सिर्फ एसआरके इज द किंग ब्रो। वैसे दोस्तों, क्या आपने डंकी देखी है? नहीं देखी तो बता देते हैं यार, देखकर आओ उसको, क्योंकि ये चार दोस्तों मनु, सुखी, बगू और बिल्ली की कहानी है। दोस्तों बता दूं, जो अच्छी लाइफ के लिए लंदन में बसने का सपना देखते हैं, लेकिन अपने गोल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक कठिन लेकिन लाइफ चेंजिंग जर्नी करनी पड़ती है। एसआरके के साथ इसमें पिंकी, तापसी पन्नू, मुन्ना भाई, एमबीबीएस के बमन रानी, उरी के विकी कौशल भी हैं। डंकी को जियो स्टूडियोज, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी फिल्म्स द्वारा प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों जाओ देखो और कमेंट करो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।